हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई सभी के। तो भाई आज बिल्कुल नहा धो के अब रेडी हो गए हैं। और क्या कहते हैं, आज सुबह पापा चले गए थे काम पे, क्या कहते हैं, चाय पी के, और आज कुछ खाया नहीं उन्होंने। और आज भी इधर देख सकते हैं मम्मी, आज मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए मम्मी आज उठी नहीं है बिल्कुल भी। देख सकते हैं आप, लेटी हुई हैं, तो आज उठी, कल से बहुत तबीयत खराब थी। खराब तो मेरी भी थी, मेरी भाई थोड़ी सही हो गई। और क्या कहते हैं, तो अभी सुबह से सब काम हम तो कर लिया भाई, तो अब मगर खाना अभी कुछ नहीं बनाया है। तो अब जा रहे हैं दुकान से पहले एक पैकेट दूध लेने, दूध लेके फिर देखेंगे, उसको गर्म वरम करेंगे, फिर रोटी वोटी बनेगी तब खाएंगे। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल दूध लेने, और मम्मी तो क्योंकि भूख लगी है हम लोगों को, तो अब क्या कहते हैं फिलहाल खाएंगे खाना। तो पहले जाते हैं दूध ले आते हैं दुकान से, दुकान से दूध लाने के बाद फिर बनाएंगे आटा, देखेंगे आटा आटा होगा तो रोटी वोटी बना के फिर खाना वाना खाएंगे। तो चलते हैं पहले दूध लेने। फाइनली आप देख सकते हैं मैं दूध लेके आ गया दुकान से। ये देखिए, देख सकते हैं चढ़ा हुआ है, दूध चढ़ा दिया था। इधर देख सकते हैं जा रहे हैं हम आटा मारने, आटा मारेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं मम्मी की तबीयत सही नहीं है। मम्मी लेटी हुई है, बहुत कमज़ोरी हो गई मम्मी को, तो इसीलिए मम्मी कुछ आज काम नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए आटा भी मारेंगे, आटा मारेंगे और रोटी भी सेकेंगे। दूध गर्म हो रहा है, देखिए अब तो नहीं उबलेगा ना, देख सकते हैं आप लोग की तबीयत ख़राब है आज, तो इसीलिए तो अभी आटा भी हम ही मारेंगे और क्या कहते हैं रोटी भी सेकेंगे। रोटी सेकने के बाद फिर क्या कहते हैं दोनों लोग अभी हम मम्मी खाना खाएंगे, तो इसीलिए क्योंकि आज कल से मम्मी की और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसीलिए मम्मी आज कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो फिर हम ही को करना पड़ रहा सुबह झाड़ू वाड़ू बर्तन वर्तन। कल मम्मी ने शाम को बर्तन धुल कर रख दिया था, पर मगर सुबह क्या क्या कहते हैं थोड़े बर्तन थे वो हम ही ने धुले हैं। और क्या कहते हैं झाड़ू वाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने पर रेडी वेडी नहा धो के हो गए बिल्कुल, तो हमने सोचा लाओ, तो इसीलिए कि अभी दूध, फिर हमने कहा दूध नहीं था, दूध लेके आए दुकान से। उसके बाद फिर अब आटा मार के रोटी सेक के फिर हम लोग खाएंगे खाना। तो चलते फिलहाल हम आटा आटा करके रोटी वोटी करके रोटी सेकते हैं फिर खाना खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइस, तो भाई खाना पीना हो गया था भाई, तब इसीलिए और मम्मी क्या कहते हैं आटा हमने मार दिया था और मम्मी ने रोटी सेक दी थी उठ के, मम्मी ने उठ के रोटी सेकी थी। और क्या कहते हैं फिलहाल भाई खाना पीना खा के थोड़ा देर गए थे सो, तो इसीलिए भाई ब्लॉग बना नहीं पाए। तो भाई अभी अभी बिल्कुल उठे हैं, अभी अभी फिलहाल उठे हैं सो के, देख सकते हैं आप गाइस मम्मी अभी भी लेटी हुई हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि आज उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए वो कुछ आज काम नहीं कर पा रही है। ये कहो कि उन्होंने रोटी सेक दी, तो भाई हम दोनों ने मिल के खाना खाया फिर उसके बाद सो गए, तो इसीलिए तो अब फाइनली आप बच चुके हैं क्या कहते हैं 6:30 शाम के, तब उठे हैं भाई। अब देखिए अभी पापा भी नहीं आए हैं और हमारे अब देख सकते हैं मिट्ठू भी देख सकते हैं बिल्कुल बैठे हुए हैं भूखे, तो उनको हम जा रहे हैं फिलहाल अभी दूध रोटी देने। दूध रोटी देने के बाद बनाएंगे फिलहाल गए चाय, तो फिर चाय पियेंगे, तो पहले चलते हैं मिट्ठू को देते हैं खाना। तो फाइनली मिट्ठू की कटोरी लेते हैं हम निकाल और इसमें जाएंगे, इसमें थोड़ी रोटी और क्या कहते हैं थोड़ा दूध मिला देंगे, तो इनको देंगे हम खाना। तो फाइनली आप देख सकते हैं मैंने दूध रोटी मिला दी है, अब मैं देने जा रहा हूँ ये मिट्ठू को, क्योंकि मिट्ठू मेरे भूखे हो चुके हैं। तो लो मिट्ठू खा लो, चलो खाना खाओ। मम्मी उठोगी नहीं? तो अभी फाइनली गाइस पापा आए नहीं हैं, क्योंकि पापा आ जाएंगे तो पापा और मम्मी जाएंगे दवा लेने, क्योंकि पापा की भी तबीयत सही नहीं है और मम्मी की भी तबीयत बिल्कुल नहीं सही है। तो अभी फाइनली जब पापा आ जाएंगे तो बनाएंगे हम चाय। तो अब मैंने फाइनली मिट्ठू को खाना तो दे दिया है, तो मिट्ठू अब दे सकते हैं खाना खाने लगे हैं क्योंकि वो भूखे थे, तो इसीलिए तो अब फाइनली चलते हैं हम, क्योंकि अब थोड़ा मुंह धुल लें तो रेडी हो जाए, तो फिर मिलते हैं आपसे।
तो फाइनली गाइस देख सकते हैं आप भाई, तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं डॉक्टर के यहाँ। आप देख सकते हैं ये जब तो मम्मी को बुला लिया है डॉक्टर ने, देख सकते हैं मम्मी अंदर जा रही है, इसीलिए तो अभी हम लोग आए थे क्योंकि भाई चाय मैंने बनाई थी, तो चाय पी के भाई ठीक है, पापा आ गए थे तो पापा ने कहा जाओ मम्मी को दवा दिला लो, तो फिर हम लोग आ गए फाइनली मम्मी को दवा दिलाने, तो इसीलिए तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, आइए आपको दिखलाते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली गाइस आप डॉक्टर मम्मी को चेक कर रहे हैं, फिर मम्मी को खांसी बुखार जुकाम सब है, तो इसीलिए फाइनली हम लोग अभी लेते हैं दवा, तो दवा ले गए दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद फिर हम लोग जाते हैं सीधा घर। तो फाइनली गाइस डॉक्टर के यहाँ से भाई आ गए थे भाई, तो आप देख सकते हैं मम्मी ने बनाया मेरी खाना, तो ये शाम का खाना दाल चावल आज बना हुआ है मम्मी ने बनाया भाई, दवा वा लेके मम्मी आई थी, थोड़ा सब्जी वब्जी लेके आए थे, तो दाल चावल बनाया, पापा भी खाना खाने जा रहे हैं और मैं भी खाना जा रहा हूँ, तो आइए आप लोग भी खाना खाइए आके दाल चावल, आइए आप लोग भी खाइए। तो आप फाइनली हम लोग जा रहे हैं भाई खाना खाने, तो खाना खाएंगे तो फिर खाना खाना धीरे-धीरे कुछ कह रही हो क्या? तो फिलहाल खाना खाते हैं, तो चलते हैं खाना खाने। तो ये ब्लॉग आज का यही तक, और इस ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।